2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन शायद टेनिस कोर्ट्स के लिए कम बल्कि लीगल कोर्ट्स के लिए ज्यादा याद किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे बड़ा नाम मेलबर्न पार्क का राजा और 9 बार विजेता नोवाक जोकोविच को अपने 10वें टाइटल के लिए खेलने का मौका नहीं दिया गया। लगभग 12 दिन तक चले उनके वीजा और डिपोर्टेशन के संघर्ष के अंत में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरू होने से बस 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से वापस चले जाने के लिए कहा। जोकोविच के चले जाने से डेनियल मेडवेडेव प्रमुख दावेदार तो है ही और साथ साथ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार 21 ग्रैंड स्लैम जीतने का बेहतरीन मौका अब राफेल नडाल के हाथ में। द बिग थ्री के तीनों सदस्य राफा, रॉजर और नोवाक ने 20 स्लैम्स जीते हैं। जोकोविच का डिपोर्टेशन और फेडरर की नी इंजरी ने राफेल नडाल के लिए अब रास्ता खोल दिया अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और 21वां ग्रैंड स्लैम जीतकर टेनिस के जगत में सबसे बड़ा इतिहास रचने का। पर क्या ये मुमकिन हो पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।